हेलो गाइस, आपका स्वागत हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल रेगुलर या फिर एनसीवीएफ से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अभी सिक्स्थ सेमेस्टर में, और उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, और इसके अंदर एक बुक जिसको आप सब्जेक्ट भी कह सकते हो वो अपनी इंडियन पॉलिटिकल थॉट सेकेंड। तो इसके अंदर एक यूनिट है जो अपनी टेंथ यूनिट है, वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। तो इसमें हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में पहले जीवन परिचय इस वीडियो में बात करेंगे, फिर इसके बाद अपना जो राजनीति पर इनके क्या विचार थे, धर्म निरपेक्षता पर इनके क्या विचार थे या राष्ट्रवाद पर इनके क्या विचार थे उसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो यूनिट टेंथ है, तो इसका जो जीवन परिचय है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जोड़ देखना। तो चलते अपनी वीडियो की ओर एंड शुरू करते अपनी वीडियो। सो विदाउट एक्सटेंड टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। तो गाइस, यूनिट टेंथ का जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जीवन परिचय उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपने हमारी जो यूनिट 9 तक की जो वीडियोज़ है जो इस बुक से रिलेटेड है इंडियन पॉलिटिकल थॉट सेकंड से, तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दे रखा है उस पर क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइस देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जीवन परिचय उसमें क्या बताया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जीवन परिचय, तो आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिन को ही हम बाल दिवस के रूप में मनाए थे। मतलब देखो, आज़ाद भारत के प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और इनके जन्म जब हुआ था तो उसी को हम बाल दिवस या चिल्ड्रन डे है उसके रूप में मनाते हैं, क्योंकि नेहरू जी को बच्चे जो थे वो बहुत ज़्यादा पसंद होते थे, ठीक है, और बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर भी पुकारते थे। नेहरू जी एक महान स्वतंत्र सेनानी थे। देश को आज़ाद कराने के लिए नेहरू ने महात्मा गांधी का साथ दिया था, ठीक है, देश को आज़ाद कराने के लिए या भारत को आज़ाद कराने के लिए जो मतलब महात्मा गांधी का साथ किसने दिया था, नेहरू जी ने। नेहरू जी के अंदर देश प्रेम की झलक साफ दिखाई देती है। महात्मा गांधी उन्हें एक शिष्य मानते थे जो उनके पिर्रे थे, ठीक है, सबसे खास शिष्य मानते थे। नेहरू जी को व्यापक रूप से आधुनिक भारत का रचयिता माना जाता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, उनका जन्म 14 नवंबर 1889 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक कश्मीर ब्राह्मण परिवार में हुआ था, ठीक है, जो मतलब कि जो इनका जन्म था वो हुआ था 14 नवंबर 1889 में, और कहाँ हुआ था, यूपी के इलाहाबाद के अंदर हुआ था, और ये जो जिस परिवार से बिलोंग करते थे वो कश्मीरी ब्राह्मण परिवार था, ठीक है। अब इसकी बात बताया गया उनके माता और जो उनके पिता या माता है उनका नाम क्या था और उन्होंने क्या क्या किया था वो देखते हैं। उनके पिता जो थे वो मोतीलाल नेहरू थे, जाने माने वकील थे और भारतीय स्वतंत्र आंदोलन के नेता थे। उनकी माँ का नाम स्वरूप रानी था। मोतीलाल नेहरू के 4 बच्चे थे जिनमें जवाहरलाल नेहरू जो थे वो सबसे बड़े थे। जवाहरलाल नेहरू ने 14 साल की उम्र तक अपनी शुरुआती पढ़ाई जो थी वो पूरी कर ली थी। फिर 15 साल की उम्र में वो कहाँ चले गए, इंग्लैंड के हैरो स्कूल पहुँच गए। इंग्लैंड गए थे ये हैरो स्कूल, वहाँ पे इन्होंने अपनी 15 साल की एज के बाद जो इन्होंने शुरुआती पढ़ाई पूरी करी थी उसके बाद ये वहाँ चले गए थे इंग्लैंड में, वो स्कूल था अपना हैरो स्कूल। 2 साल के बाद वह कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज पहुँचे और नेचुरल साइंस में ऑनर्स की डिग्री हासिल कर ली। लंदन के इनर टेंपल में इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी की थी, ठीक है, बैरिस्टर की जो पढ़ाई थी वो इन्होंने, फिर इसके बाद बताया गया जो मतलब कि लंदन के इनर टेंपल में इन्होंने बैरिस्टर की जो बैरिस्टर है उसकी पढ़ाई पूरी की थी। जवाहरलाल नेहरू ने इंग्लैंड में 7 साल बिताए, ठीक है, उन्हें लगता था कि ना ही वे पूरे से इंग्लैंड में और ना ही वो पूरी तरह से भारत में है, ठीक है। 1912 के आसपास वे भारत लौट आए थे। 1916 में मतलब 4 साल बाद इन्होंने कमला कोल से शादी कर ली थी और 1917 में इंदिरा गांधी का क्या हुआ, जन्म हुआ था, जो आगे चलकर भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। देखो, इंदिरा गांधी जो थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और कमला कोल की क्या थी, बेटी थी। दूसरी बात करें तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो भारत के आज़ाद भारत, जब भारत आज़ाद हो चुका था उसके बाद वो प्रथम प्रधानमंत्री बने, ठीक है, और इंदिरा गांधी का जन्म हुआ तो इंदिरा गांधी जो थी वो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, ठीक है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, इंदिरा गांधी,
जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और कमला कौल की क्या थी, बेटी थी। 15 अगस्त 1947 को वह देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिस पद पर जीवन पर्यंत वह 27 मई 1964 तक रहे, जब तक उनकी मृत्यु नहीं, जब तक वो रहे थे। ठीक है, तो ये जो था इनका जीवन परिचय था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अब इसके बाद अपन जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, देन उसके बाद जल्दी इस यूनिट को भी हम कंप्लीट कर देंगे, फिर उसके बाद अपनी एक यूनिट बच जाएगी उसको भी हम तुरंत कंप्लीट कर देंगे। बाकी आप रिवाइज करते रहो, जो मैंने वीडियोस बनाई है आप उसको भी एक बार रीड करते रहो, पढ़ते रहो, सुनते रहो लेक्चर जो मैंने बताए हैं। ठीक है, तो ये थी अपनी आज की वीडियो। आई होप गाइस आपको वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।